और इसके फौरन बाद 12:30 बजे सीधा आप असल में तशरीफ भेज सकते और बर्ड हमसे यहाँ नहीं करने के लिए तशरीफ आए। इस कैंपस के बानी भी हैं और इसका मैं यूनिक प्रोग्राम इसलिए भी कह रहा हूँ कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन साल जो हम मॉस्क ओपनिंग कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए इंतहाई खुशी का दिन है। और यहाँ पे जस्ट 2-3 मिनट में एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस कैंपस की जो आज शक्ल हम देख रहे हैं, इसमें जो लीडिंग रोल प्ले किया गया है वो इस कैंपस कम्युनिटी के साथ साथ जो हमारी टोपा की ऑनरेबल पर्सनैलिटीज़ हैं जो आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और हमारे हर प्रोग्राम में बड़े ही शौक शौक और प्यार से आते हैं, इनका लीडर रोल है। मैं इन सब को सलाम पेश करता हूँ और इसके साथ साथ ये मेरा मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह की मदद के बगैर इतनी बड़ी चेंज मुमकिन नहीं थी। इट इज़ ऑल ड्यू टू द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एंड द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल पर्सनैलिटी सिटिंग हियर। आई सैल्यूट ऑल। लेवल पे सिर्फ फॉलो कर लिया जाए तो बहुत शॉर्ट टाइम में मुस्बत तब्दीलियाँ मुमकिन है, जिससे ना सिर्फ करोड़ों की अरबों की बचत होगी बल्कि ओनरशिप आएगी। इस कैंपस की हालत इस काबिल नहीं थी कि हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, यह कैंपस है। यहाँ पे जो सूरत हाल थी बड़ी ग्रेट सूरत हाल थी। अल्लाह के फजल करम से और हमारी टीम एफर्ट से, दोस्तों की इस इलाके की पोलिटिकल फिगर्स की सपोर्ट से आज हमने नक्शा बदल दिया है और आज हम इस काबिल हैं कि हम ये जोर लगा रहे हैं कि इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और प्रोजेक्ट के खतों का तो आप कोई नस्ल नहीं बना सकते मुर्गियों की। तो मुझे ख्याल आया कि बात तो ये सही कहता है, टाइम भी मेरे पास अभी है। ये बात 2009 की, आज देखिए 10 साल हो गए, 2008 में तो पहला जो हमने कोशिश की फंडिंग की तो 3 साल की हमें फंडिंग मिली हायर एजुकेशन कमीशन से। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम बेसिकली पोल्ट्री से रिलेटेड तो ये बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, लेकिन दूसरा जो मस्जिद का आज जो कंधा जुमा पढ़ा जा रहा है, जो इफ्ताह हो रहा है, उसकी डॉक्टर सजाद साहब ने और हमने, मुझे याद है कि तकरीबन 1.5 साल हो गया है वर्ल्ड एग्स डे के हमने बिस्मिल्लाह दी थी और हमने ऐलान किया था कि अगले वर्ल्ड एग डे पे हम जुमा पढ़ेंगे। थोड़ी सी लेट होगी लेकिन ज़िया साहब की कोशिशों की वजह से मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए और कैंपस के लिए ये खुशी की मुकाम है कि ये अपनी मदद आपके तहत एक कैंपस में मस्जिद जो बना दी गई है और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि इसमें होती रहेगी। इंफॉर्मेशन के लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा वैक्सीनेटर हर यूनियन काउंसिल में मौजूद है। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको इतला दे दें या उसके पास रजिस्टर्ड हो जाएं कि लोगों को ये मुर्गियाँ मिलेंगी। उसके बाद वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको वैक्सीन किया करेगा। अगर ना हो तो हमारा नंबर ले लें, हमें कंप्लेंट कर दें, हम उसे इंश्योर कराएंगे कि वो वैक्सीन उसे ज़रूर करेंगे। ये बड़ा खुशी का दिन है कि एक ऐसे इदारे में हम मौजूद हैं जिसकी मस्जिद का आज संग बुनियाद और ये एक ज़रूरत थी जिसको मुखैर हजार ने और सबसे बढ़कर इस अदारे के जो डीन हैं, जो भी इस अदारे के फैकल्टी है, जो बिलाल कमर बिलाल साहब जहाँ तैनात हुए हैं
काम तो पहला भी हुआ पहले दिन से लेकर, क्योंकि ये नया कैंपस था जहाँ रेत के डिब्बे थे, बेआबाद ज़मीन थी, इसको अदारा बनाने के लिए बहुत से दोस्तों की काशें हैं और इसको इस चक्कर में लाने के लिए बहुत सी मेहनत दरकार थी, जो कि मुख्त में मुख्तलिफ दोस्तों ने, जो जहाँ के प्रोफेसर साहबान थे, जो जी जहाँ अदारे के सीनियर दोस्त थे, उन्होंने इसको पार तकमील तक पहुँचाया। लेकिन जब से इस अदारे में एक नई जिद्दत पैदा हुई है और बहुत बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इनकी काबिल से इन्होंने ज़्यादा इन्वॉल्व किया कम्युनिटी के लोगों को इस अदारे की बेहतरी के लिए, और मैं उन कमेटी के दोस्तों का भी शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने इस अदारे में दिलचस्पी ली और कंट्रीब्यूशन की, या अदारे की बेहतरी के लिए अपना टाइम दिया, पैसे दिए और एफर्ट दिए। जो बच्चे बुचे किचन जो किचन का समान बचता ना, रोटी टुकड़ा दाना वो ये ना लाइफ स्टॉक वाले जो इन प्रॉपर वैक्सीन कवर कराया करेंगे ताकि सर्वाइव हो। और यही मैं रिक्वेस्ट लोगों की है कि अपना नाम साढ़े वैटरी सिस्टर को लिखा दें या वो रबता कर साढ़े फोन पर इतला दे, हर दो महीने बाद वैक्सीन कराया करेंगे, ताकि इस तरह ही लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी एक प्रोजेक्ट चला रहा। जिस तरह लोग वजीर अजम साहब कहते हैं कि खुशहाली हो लोग मुर्गियां पालन, तो दही सतह से अगर एक आम पाँह मुर्गियां पाल लवे ना तो वो घर का खर्चा चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग कैंपस में आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये हमारा जनवरी 2018 से लेकर आज तक ये हमारा 36 प्रोग्राम 36वां प्रोग्राम है जी। और आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर है, एक में हमने जो बर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अभी, तो 30 लोग हैं, 30 फैमिलीज़ हैं उनको दिए हैं। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था पार्क का, उसके तहत ये मुर्गियाँ तकसीम की गई हैं, जिसमें डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर ज़िया इन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जिसकी डिटेल तो बेहतर वही जानते हैं। लेकिन इस कैंपस के हवाले से एक बात बड़ी क्लियर है कि हम जो मेरा मेन मिशन है एज़ प्रिंसिपल, इस कैंपस की कम्यूनिटी के साथ साथ तोबा की कम्यूनिटी को सर्व करना, वो बेशक फार्मिंग कम्यूनिटी हो, बेशक लोकल कम्यूनिटी हो, उनको सर्व करना। और इसी सिलसिले में आज हमने ये वर्ड दिए हैं। और अगर आप ये चेंजेस देख रहे हैं, ये चेंजेस में अल्लाह की मदद के बाद इस कैंपस कम्युनिटी और जो लोकल कम्युनिटी है, इनका भरपूर तौबा हमारे साथ रहा है। और बहुत सारे हमने इसी ना सिर्फ हमने इस कैंपस को आई कैच किया है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं ताकि हमारी एकेडमिक्स भी बेहतर हो। इस सिलसिले में हमने इस वक्त 18 डिग्री प्रोग्राम इस तरह हमारे जो है वो लॉन्च हुए हैं, 18 डिग्री प्रोग्राम जिसमें एडमिशन होगा। पहला एंट्री टेस्ट हो चुका है, दूसरा एंट्री टेस्ट 21 जुलाई को होगा इस कैंपस में। और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाएं 15 जुलाई तक। और इंशाल्लाह हमारा ये टारगेट है इस यूनिवर्सिटी को, इस कैंपस को हम इतना ऊँचा ले कर जाएँ कि नेशनल लेवल पर इसका एक नाम हो और लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लाइनों में लगें और उनका एक उनके अंदर प्यास पैदा हो, ये शौक हो, अगर हमने पढ़ना है तो इस कैंपस में पढ़ें।